हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी और आज हम बनाने वाले हैं माता जी के भोग के लिए दानेदार सूजी का हलवा। ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप लोग भी इस तरह से नवमी में माता जी के भोग के लिए दानेदार हलवा बनाइए, माता जी को भोग चढ़ाइए और बहुत बहुत आशीर्वाद पाइए। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है और फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक कढ़ाई लिया है, तो कढ़ाई में हम डालेंगे 1.5 चम्मच देसी घी और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश और कुछ नारियल के टुकड़े कटे हुए। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, भून गए अच्छे से। तो हम इसको निकाल लेंगे अलग कटोरी में। और अब हम इसी घी में डाल देंगे आधी कटोरी सूजी और सूजी को हम चलाते हुए कलर चेंज होने तक भून लेंगे। और ये देखिए सूजी हमारी भुन गई है और इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखिए तो सूजी हमारी भुन गई है, तो हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी पानी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स और मिक्स कर लेंगे इसको। और अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी चीनी, जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हम आधी कटोरी चीनी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, चलाते हुए कि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। और ये देखिए चीनी डालने पे गीला हो गया है, तो हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे और हाई फ्लेम करके हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे चलाते हुए इस तरह से। और ये देखिए हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और ये देखिए बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत ही टेस्टी हलवा बनके तैयार हुआ है। तो हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए माता जी के भोग के लिए दानेदार सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। और ये सूजी का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसी तरह से आप लोग भी माता जी के भोग के लिए दानेदार सूजी का हलवा बनाइए और भोग चढ़ाइए और बहुत बहुत आशीर्वाद पाइए। तो अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को पूरा देखिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। जय माता दी।